बच्चों, आज मैं कक्षा 3 का चैप्टर नंबर 13 मिर्च का मजा सिखाऊंगी। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया पर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे इस लाइन में क्या दिया है, एक काबुली वाला जो था उसकी एक कहानी दी है। काबुली वाला एक मिर्च को देख जाता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, उसको ये लगा ये उसके अंदर बहुत अच्छे दाने हैं, शायद ये कोई मौसम का मीठा फल होगा। ऐसा वो काबुली वाला सोचता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। एक चवन ने फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला, बेचारा जो त्यो कुछ समझा कर, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तोल छीमिया फक्त चार आने की। देखो बच्चों, अभी काबुली वाला ने क्या किया, यहाँ पे एक चवन्नी फेंकी और कुंजड़िन, कुंजड़िन यानी जो सब्जी बेचने वाली होती है ना, वो कुंजड़िन को वो एक चवानी फेंक कर दी और कहा कि लाल लाल पतली छीमी से ये चीज जो दिख रही है ना, वो मुझे दे दो। ऐसा कौन बोलता है, काबुली वाला एक कुंजड़िन को बोलता है। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठ कर नदी किनारे जाके। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुंजड़िन जो है वो बोलने लगती है, हाँ ये सारे मिर्च तो सब खाते हैं, लाओ आपकी झोली में सारे मिर्च आपको दे देती हूँ। ऐसा कहे कि कुंजड़िन ने वो काबुली वाले को मिर्च दे दी। और अभी काबुली वाला को ऐसा लगता है कि ये सौदा कितना सस्ता है, कितनी सारी मिर्च मुझे दे दी है। ऐसा कह के काबुली वाला नदी के किनारे बैठता है और मिर्च खाने लगता है। बच्चों ये चित्र दिया है ना, उसमें काबुली वाला मिर्च बैठ के खा रहा है, देखा सबने। चलो आगे, मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। देखो बच्चों, अभी काबुली वाला ने मिर्च मुंह में डाल दी है और वो चबाने लगता है तो उसके आंखों में से जलधारा बहने लगती है, यानी कि आंसू बहने लगते हैं और उसका जो मुंह है वो पूरा जल जाता है। क्यों जल जाता है, क्योंकि उसने क्या खाया था, मिर्च खाई थी। पर काबुल का मर्द छाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाई छोड़े। आंख पोछते, दांत पीसते, रोते और ऋषि आते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। देखो बच्चे, अभी यहाँ पे काबुली वालों को क्या लगता है, मैंने पैसे खर्च किए और ये मैंने मिर्च खरीदी है तो वो फोकट में नहीं जाना चाहिए, तो मुझे वो खानी पड़ेगी। ऐसा कह के वो मिर्च खाने लगता है, उसकी आंख वो पोछता रहता है, दांत पीसता है, फिर रोता है, फिर वो मिर्ची खाने लगता है। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूं आदमी न ऐसा वैसा, जा तू अपने राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। देखो बच्चों, अभी ये लास्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, इतने में कौन आ जाता है, जब काबुली वाला मिर्च खाता है तभी एक सिपाही आता है और सिपाही बोलता है ये बेवकूफ है। क्यों बेवकूफ कहा काबुली वाले को, क्योंकि वो मिर्च खा रहा है ना, तो बेवकूफ क्या खा कर ये तू तबाही मचा रहा है। तो काबुली वाला ने कहा, मैं एक आदमी हूँ, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ और ये मैंने पैसे खरीद के ये मिर्च ली है, इसके लिए मैं मिर्ची खा रहा हूँ। ऐसा किसने कहा, काबुली वाला ने सिपाही को कहा। तो देखो बच्चों, मिर्च का मजा इस पाठ में हमने क्या सीखा, एक काबुली वाला जो था वो मिर्ची खा रहा था, उसके बारे में हमने सीखा।